Okay, so now I'll be going towards the part 4 of our today's tutorial, which is the introduction to the spinal cord. Now the question is, what is spinal cord? अगर मैं आपसे simply पूछूँ कि spinal cord होती क्या है, तो what will you answer? हाँ, मतलब क्या होता क्या है? होता क्या? It's a cord. Cord क्या होती है? Cord is like a रस्सी. रस्सी different fibers से मिलकर बनी होती है. In the same way, the spinal cord is an aggregation of the nervous tissue. सिंपल. और नर्वस टिश्यू में आपके एक्सॉन्स भी आते हैं, नर्वस टिश्यू में आपके डेंड्राइट्स भी आते हैं, नर्वस टिश्यू में आपके गैंग्लियन सेल्स और कुछ सपोर्टिंग नर्व सेल्स भी आते हैं. सो एन एग्रीगेशन, अ लॉन्गिट्यूडनल एग्रीगेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू इंक्लूडिंग द गैंग्लिया, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स एंड सपोर्टिंग सेल्स इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली एन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लॉन्गाटा. ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन में आपकी स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे दिखती है. उसके आगे और पीछे वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, एज यू कैन सी. आई एम सॉरी, आगे वर्टिब्रल बॉडीज होते हैं, पीछे बेसिल ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं. दिस इज़ अ बॉडी. खैर, अच्छा, अब होता ये है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, खैर एक सेकेंड. सो एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लॉन्गाटा. और ये कहाँ से कॉन्टिन्यू होकर कहाँ तक एक्सटेंड करती है? सो बेसिकली एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ C1 वर्टिब्रा ये कॉन्टिन्यू करती है एज अ स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, एंड डाउनवर्ड्स ये प्रोजेक्ट करती है अप टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 इन एडल्ट्स. बच्चों में इनकी इसकी लोअर बाउंड्री कुछ और होती है, इट इज़ अ बिट लॉन्गर इन चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू एडल्ट्स. सो इन दिस वे इट इज़ स्टार्टिंग एट द अपर बॉर्डर ऑफ C1 एंड इट्स एंडिंग एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा. ओके, सो ये तो हो गया उसका एक्सटेंट. ठीक है, ऑलराइट. सो एज यू सी द स्पाइनल कॉर्ड इन इट्स क्रॉस सेक्शन, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो कुछ ऐसे ही हमें दिखेगी. ये सारे तो हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर ये छोटी सी पड़ी हुई स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, इसका अब एक वाइट मैटर होता है जो आउटसाइड लाई कर रहा होता है, और एक होता है उसका ग्रे मैटर. अच्छा, ब्रेन टिश्यू में जहाँ जहाँ माइलिनेशन होगी ना, वहाँ वहाँ वाइट मैटर होगा, और जहाँ जहाँ नॉन माइलिनेशन, मतलब माइलिनेशन नहीं होगी, तो वहाँ पर होगा ग्रे मैटर. तो बेसिकली ये जो वाइट मैटर इज कम्पोज ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जो ग्रे मैटर इसमें बेसिकली सेल बॉडीज होती हैं उन्हीं न्यूरॉन्स की. ओके, नाउ इसमें एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ. जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी एंटीरियर व्यू से जो निकलती है एक नर्व रूट, उसे बोलते हैं एंटीरियर रूट. ठीक है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन निकलती है एक नर्व रूट, से बोलते हैं पोस्टीरियर रूट. और पोस्टीरियर रूट के अंदर एक गैंग्लियन होता है. ठीक है, एंड दीज टू रूट्स विल बी कम्बाइंड फॉर्म द स्पाइनल नर्व विच विल बी इमर्जिंग फ्रॉम ईच इंटरवर्टिबल फोरामिना. ठीक है, दो रूट्स मिलकर बनाती है एक नर्व जो कि फोरामिना से निकल जाती है. ओके, नाउ नाउ दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सारा जो इसे कह सकते हैं ना कि इंट्रोडक्शन स्पाइनल कॉर्ड कैसे डायग्राम में है. खैर, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियरली एक बहुत ही यू कैन से एक डीप सा फिशर होता है, तो हिली जा रही है. ऐसे दिखा देती हूँ. हाँ, एक डीप फिशर होते से बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर. ठीक है, पोस्टीरियरली कोई फिशर तो नहीं होता खैर, लेकिन एक ग्रूव, एक सल्कस है होते से हम बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस. ये हो गया उसका ग्रे मैटर, ये हो गया उसका बाहर वाला वाइट मैटर. अच्छा, जो लेफ्ट एंड राइट साइड है वो आपस में कनेक्ट करते हैं थोड़ा बैंड ऑफ ग्रे मैटर, से हम बोलते हैं ग्रे कमिशर. और ग्रे कमिशर के अंदर यू कैन सी दैट देयर इज अ स्पाइनल कनाल और द सेंट्रल कनाल. ठीक है, अब सेंट्रल कनाल के आगे जो ग्रे कमिशर का पोर्शन होगा वो होगा एंटीरियर ग्रे कमिशर, और जो उसके पीछे ग्रे कमिशर कंपोनेंट होगा वो होगा पोस्टीरियर ग्रे कमिशर. अगेन यू कैन सी द वेंट्रल रूट, द डोर्सल रूट एंड द डोर्सल रूट गैंग्लियन. ठीक है, और इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है? ओके, डेफिनेटली यार, जो ग्रे मैटर में जो एंटीरियरली सेल बॉडीज होंगी वो मोटर होंगी, जो पीछे होंगी वो होंगी सेंसरी सेल बॉडीज. ठीक हो गया. ओके ओके, एक और चीज़, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में कुछ रीजन्स पर ना एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स के अलावा लैटरल हॉर्न भी होता है. बेसिकली ये थोड़ा को लंबर रीजन में होते हैं, और लैटरल हॉर्न बेसिकली कंसर्न होता है विद द सिंपथैटिक नर्व फाइबर्स, जो कि हम आगे देखते हैं. अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड कुछ फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये कंड्यूट या एज अ चैनल एक्ट करती है, एज अ पाथवे एक्ट करती है फॉर द इम्पल्सिस टू गेट ट्रेवल्ड फ्रॉम द पेरिफ्री अप टू द ब्रेन. ओके, सेकेंडली ये कंड्यूट करती है फॉर द सेंसरी एज वेल एज अ मोटर फाइबर्स. सेंसरी फाइबर्स को पेरिफ्री से ब्रेन तक लेके जाती है, और मोटर फाइबर्स को ब्रेन से बैक टू द पेरिफ्री. एंड इन एडिशन टू दैट, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑन इट्स ऑन. ये खुद भी मतलब बहुत से चीज़ों को प्रोसेस करके डिफरेंट एक्शंस को कैरी आउट कर सकती है. ये भी इसका एक अपना फंक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं. अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शंस बेसिकली वो होते हैं जो आपके हायर ब्रेन एरियाज की कंट्रीब्यूशन के बिना ही हो जाते हैं, जिसमें बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, आपकी ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होते हैं, आपका थैलेमस इन्वॉल्व होता है, और आप पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है. खैर,
अच्छा जी, तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्पाइनल कॉर्ड अकेली नहीं होती, इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत से लोग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वर्टेब्रल कनाल ही इसको मेजर प्रोटेक्शन दे रहा है, बट इनसाइड द वर्टेब्रल कनाल सम मेनिंजेस आर ऑल्सो देयर। मेनिंजेस क्या होते हैं? मेनिंजेस बेसिकली कनेक्टेड टिश्यू कवरिंग्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए हुए होती हैं। आपके ब्रेन के ऊपर भी मेनिंजेस होते हैं और वही मेनिंजेस एक तरह से एक्सटेंड करते हैं डाउनवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द मेनिंजेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द आउटर मोस्ट मेनिंग्स। अच्छा, मेनिंजेस की सिंगुलर मेनिंग्स होती है। ओके, सो दिस इज़ अ ड्यूरा मैटर। अच्छा, तीन मेनिंजेस आर द ड्यूरा मैटर, द आउटर मोस्ट, अरेक्नॉइड मैटर द मिडल वन, एंड द पाया मैटर द इनर मोस्ट ऑफ द थ्री मेनिंजियल लेयर्स। ओके, फर्स्ट वन इज़ द ड्यूरा मैटर, विच इज़ ड्यूरा मीन्स टफ, एंड ये बहुत टफ लेयर होती है और ये बेसिकली एडहेरेंट होती है टू दी बोनी पोर्शन। इन दिस केस बोनी पोर्शन क्या है? वर्टेब्रल कैनाल है ना, तो उसका एडहेरेंट होगी। ओके, सो इसकी भी दो लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं। एक होती है उसकी पेरिओस्टल लेयर जो कि सुपरफिशियल होती है, वो बोन्स के साथ इन कॉन्टैक्ट होती है, और एक होती है उसकी डीप लेयर जो कि मेनिंजियल लेयर होती है, जो डेफिनेटली आपकी नीचे वाली अरेक्नॉइड मैटर के साथ कंटिन्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ योर अरेक्नॉइड मैटर जो कि डीप टू ड्यूरा मैटर लाई करती है डेफिनेटली, और इसकी एक मिडल प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है। एंड यू शुड नो वन थिंग दैट बिटवीन द अरेक्नॉइड मैटर एंड द पाया मैटर देर इज अ स्पेस कॉल्ड इज अ सब अरेक्नॉइड स्पेस, बिकॉज इट इज़ सब टू द अरेक्नॉइड, उसके नीचे पड़ी हुई है। एंड दिस स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, द फाइनल लेयर इज द इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, द पाया मैटर। पाया मैटर इज बेसिकली फर्मली अधेरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये उससे अलग नहीं हो सकती, ये उसके साथ साथ रहती है, इट इज़ वेरी लॉयल टू इट। खैर, ओके, तो यू कैन सी पाया मैटर। अच्छा, पाया मैटर से कुछ ना लिगामेंट्स एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द ड्यूरा मैटर, ऐसे लंबे लंबे लिगामेंट्स होते हैं विच इज कॉल्ड डेंटिकुलेट लिगामेंट्स, जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को अधेरेंट बनाती है टू दी ड्यूरा मैटर, ताकि वो अपनी जगह से हिले ना और उसकी मीनो एंकरेज हो अच्छी। अच्छा जी, अगेन वे बैक टू द एंटीरियर रूट्स, द पोस्टीरियर रूट्स। वी नो कि एक स्पाइनल नर्व बनने के लिए हमें दो रूट्स चाहिए, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर रूट। ठीक है, तो इसके स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर पोर्शन सबके एंटीरियर रूट आती है, यू कैन सी लाइक दिस। अच्छा, अलॉन्ग विद द एंटीरियर मीडियन फिशर एंड द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, कुछ लेटरल सल्काई भी होते हैं यहाँ यहाँ पर साइड पर, जहाँ से बेसिकली आपके रूट्स निकली होती हैं इधर और इधर, उनको हम बेसिकली बोलते हैं एंटीरियर लेटरल सल्कस एंड द पोस्टीरियर लेटरल सल्कस, एंड दे विल बी गिविंग ओरिजन टू द बेसिकली पैसेज बिफोर द नर्व रूट्स टू एग्जिट द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंटीरियर की बात कर ली, अब बात करते हैं ओके, डोर्सल, ये डोर्सल की थी या हाँ एंटीरियर की थी। ओके, सो एंटीरियर रूट के अलावा देर इज अ पोस्टीरियर रूट एज वेल, और पोस्टर रूट के अंदर एक गैंग्लियन पड़ा होता है, दिस इज अ पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन और द डोर्सल रूट गैंग्लियन, बिकॉज वी नो के एंटीरियर रूट में तो कोई गैंग्लियन नहीं है मगर पोस्टीरियर वाले में है। ओके, नाउ द स्पाइनल नर्व विच इज अप हियर, दिस वन। ओके, नहीं ये वाली है, दरम्यान वाली, ये तो उसके फर्दर एम आई है ना, ये वन। ओके, सो एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट मिलकर आपकी स्पाइनल नर्व बना देती है डाउन हियर। ओके, नाउ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इज के देखो, आपकी जो वेंट्रल रूट है ना, जो यहाँ से एक्सटेंड कर रही है, वो तो प्योरली मोटर है क्योंकि वो एंटीरियर पोर्शन से आ रही है। जो आपकी डोर्सल रूट है ना, वो प्योरली सेंसरी है क्योंकि वो पोस्टीरियर पोर्शन से आ रही है, वहाँ पे सेंसरी गैंगलिया ही पड़े हुए हैं। लेकिन जो स्पाइनल नर्व है ना, दैट इज़ कंटेन द मिक्स्ड फाइबर्स, में मोटर भी हैं और सेंसरी भी हैं क्योंकि वो मोटर और सेंसरी की कॉम्बिनेशन से बनी है स्पाइनल नर्व। अच्छा, अब जो स्पाइनल नर्व होती है ना, वो बेसिकली फर्दर दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर रेमस और पोस्टीरियर रेमस। अब जो एंटीरियर रेमस है ना, उसमें सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं, जो पोस्टीरियर रेमस है ना, उसमें सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें सेपरेट हैं, मतलब वेंट्रल में मोटर है, डोर्सल में सेंसरी है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सॉरी स्पाइनल नर्व के लेवल पे ना दोनों मिक्स हो जाते हैं, मतलब सेंसरी भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है और मोटर भी आ जाता है, और जो रेमाए हैं ये वाले, इनमें भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, आप मतलब रेमाए में डिवाइड हुई क्यों है स्पाइनल नर्व, एक साथ क्यों नहीं दे सकती? तो होता ही है कि बेसिकली जो एंटीरियर रेमस है ना, वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी एक्सपायर करता है, लाइक एंटीरियर पोर्शन ऑफ ट्रंक को, एंटीरियर पोर्शन ऑफ लिम्स को, और जो आपका ये जो पोस्टीरियर रेमस है, ये आपके पोस्टीरियर बैक के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है सेंसरी और मोटर इनर्वेशन देता है। नाउ देर इज अनदर हॉर्न एज आई टोल्ड यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, विच इज़ द लेटरल हॉर्न। अच्छा, लेटरल हॉर्न पूरी स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटेंड नहीं करता, जस्ट थोड़ा को लंबर रीजन में ही होता है, एंड दिस इज कंसर्न विद द सिंपथैटिक फाइबर्स, जिस सिंपथैटिक फाइबर्स को ओरिजन देता है, और बेसिक सिंपथैटिक गैंग्लिया होते हैं, एज वी स्टडीड के सिंपथैटिक चेन होती है जो अलॉन्ग द वर्टेब्रल कॉलम रन कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है ऐसे, वैसे सिंपथैटिक चेन के कुछ सिंपथैटिक गैंग्लिया भी होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा।
ठीक है। अच्छा होता ये है कि इस गैंगलिया से पीछे जो एक यहाँ से फाइबर आएगा ना लेटरल पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ से जो फाइबर यहाँ तक पहुँचेगा वो होगा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है, या जिसको आप बोल सकते हो वाइट रेमस, ठीक है। और जो इस गैंग्लियोन से फाइबर जाएगा जो डिफरेंट ऑर्गन सप्लाई करेगा वो होगा ग्रे रेमस या पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। इस बात को पहले मान लो, ये बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, आई मीन मैं रिवाइज कर देती हूँ। ओके तो ये है कि यार ये लेटरल हॉर्न से जो फाइबर एक्सटेंड करेगा ना अप टिल द दिस सिम्पथैटिक गैंग्लियन वो होगा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और वो होगा वाइट रेमस, ठीक है। और जो यहाँ से एक्सटेंड करेगा टू योर पेरिफेरल ऑर्गन्स वो होगा आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर या होगा आपका ग्रे रेमस, ठीक है, जो आगे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन देगा स्पाइनल नर्व बनाने में, फिर स्केलेटल नर्व बनेगी और बेसिकली आपके ऑर्गन्स को सप्लाई मिल जाएगी। सो ओए ख़त्म हो गया है। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच, अब आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा बुक से सो दैट आपको ये रिटेन रहे। तो आई होप कि आपको समझ लगा कि सारी चीज़ों की, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, इसके जो मेजर पोर्शन है, इसके जो इंटरनल एनाटमी है वो हम इन आर सबसिक्वेंट वीडियोज़ डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।